इस समय मेरे साथ दो भारतीय जिला पंचायत सदस्य मिस्टर विकास मिश्रा जी मौजूद हैं, जिनसे हम उनके राजनीतिक जीवन और दिल्ली बंदी स्टेट सर्वे पर बातचीत करेंगे। तो सर, पहले आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए कि श्रीनगर में कब से इंटर करने के बाद जब मैंने डीएवी कॉलेज में बीकॉम प्रीवियस में एडमिशन लिया तो उसके बाद छात्र राजनीति से मैंने राजनीति का प्रारंभ किया, छात्रों के हितों के लिए संघर्ष किया। 5 साल तक छात्र राजनीति करने के बाद 2005 में जब क्षेत्र के लोगों की समस्याएं मेरे सामने आई तो मुझे लगा कि बिना राजनीति में आए क्षेत्र की समस्याएं दूर नहीं की जा सकती हैं, इसलिए मैंने क्षेत्र में राजनीति करने का फैसला लिया और 2005 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और 2005 में यहाँ की जनता ने वोट बहुमत से यहाँ पर भारी बहुमत काम किया। 2005 के बाद 2010 तक मैं इस पद पर रहा, 10 में सीट आरक्षित हो गई। 5 साल 2005 से 10 तक पद पर और 10 से 15 तक फिर जनसेवा की निरंतर और 15 में फिर विशाल समूह ने मुझे जिला पंचायत सदस्य चयनित करने का काम अच्छे से किया। आप समाज की अगुवाई क्यों करना चाहते हैं? हमें राजनीति की क्यों चुनी? आपने कोई व्यवसाय नौकरी? मैं पढ़ा लिखा रहा हूँ, मैंने भी काम किया, एलएलबी किया। मैं अधिवक्ता भी हूँ, मैं चाहता तो उन्नाव में बैठकर प्रैक्टिस कर सकता था, लेकिन अगर हर व्यक्ति यही सोचने लगेगा कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, इंजीनियर बन जाऊँ, वकील बन जाऊँ तो समाज के लिए कौन आगे आएगा और समाज के लिए कौन क्या करेगा? हर गार्जियन चाहता है कि उसका बेटा IAS बने, PCS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सरकारी नौकरी पाए। कोई भी माँ बाप भी नहीं चाहता है कि उसका बेटा नेता बने। मैंने नेता बनकर अपने लोगों की समस्याओं को अधिकारियों तक पहुँचाने का काम किया, लोगों की भावनाओं को इस समाज में आगे बढ़ाने का काम किया, क्षेत्र को विकसित कराने का काम किया। यही सब भावनाएं थी तो मैं राजनीति में रहा। हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी। जल निकासी के लिए विधानसभा अध्यक्ष हमारे क्षेत्र से हैं हरदेव नारायण दीक्षित जी, मैंने उनको लिखित रूप में दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र की जल निकासी की समस्या बहुत है। दूसरा, विद्युत व्यवस्था में यहाँ पर तार बहुत बुरी तरह जर्जर है, बिजली व्यवस्था के लिए मैंने प्रयास किया है। ग्राम समाज की जमीनों को बचा कर रखा जाए, माफियाओं से बचा कर रखा जाए, इसके लिए मैंने प्रयास किया है। गरीबों और विकलांगों के लिए मैंने पेंशन जैसी समस्याओं को भी जिलाधिकारी के यहाँ उठाने का काम किया है। इसी तरह मैं जनता के बीच में काम कर रहा हूँ। सर, आपके मुताबिक भारत की ऐसे पांच कौन से राज्य मुद्दे हैं और जिन पर मुद्दे पर आपका सवाल था? राष्ट्रीय मुद्दों पे ये आप मान लीजिए कि सबसे बड़ा मुद्दा है आतंकवाद का, जो हमारे देश को बौखला कर रहा है। दूसरा मुद्दा है महिला उत्पीड़न के संबंध में, महिलाओं को अधिकार न मिल पाना। तीसरा, ये जो जातिवाद फैला कर राजनीति की जा रही है दलों के द्वारा, इससे आपस में भारतीय समाज के बीच में व्यवस्था फैल रही है। चौथा, शिक्षा की जो व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है उसमें बड़ा उलटफेर है, गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है। और पांचवा मुद्दा यहाँ पर यह है कि रोजगार की समस्या। नौजवान पढ़ लिख कर तैयार होते हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिलता। बहुत अच्छे मुद्दे उठाए सर आपने। तो आपको क्या लगता है कि इस वैश्विक परिदृश्य में भारत किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए? भारत को सर्वप्रथम सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए और समान शिक्षा का अधिकार स्कूलों में हो, एक फीसों की मनमानी बंद हो, ताकि हर व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। जब शिक्षा अच्छी होगी तो समाज अपने आप अच्छा होगा। सर, ये तो रही आपके राजनीतिक जीवन की बात, अब हम अपने रैली बंदी सर्वे पर बात करेंगे। तो हमारा जन मेला का पूरा कॉन्सेप्ट है, जन मेला बहुत अच्छा आयोजन है और इसमें जन समूह को आकर ज्यादा से ज्यादा अपने विचारों को रखना चाहिए और जनता की बात सुनने के लिए कम से कम कोई आयोजन तो किया गया है। इससे पहले तो केवल रैलियां की जाती हैं जिनमें जनता को सुनाया जाता है, जनता सुनती अपने घर चली जाती है। यहाँ पर जनता अपनी सुनाएगी और नेता उस पर विचार करेगा कि वास्तव में जनता की भावनाएं क्या है। दूसरा पॉइंट ये है कि जिस तरीके से आजकल
साइट्स में प्रचार किया जाता है, गलत तरीके से भ्रामक प्रचार किया जाता है, वो लोकतंत्र की दृष्टि से ही खतरा है। ये क्या स्थिति का प्रचार होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। जो चुनाव प्रचार की मौजूदा प्रक्रिया है रैलियो वाली, अगर तंत्र की स्वतंत्रता की दृष्टि से देखते हैं तो ये प्रक्रिया ज्यादा अच्छी है या हमारा अंतर्मुखी जनता? अंतर्मुखी जनता। सर क्या जो उम्मीदवार किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में उम्मीदवार चुने जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि उसमें अप्रूवल वोटिंग होनी चाहिए, उनको चुनने से पहले उनमें जनता की राय लेनी चाहिए उम्मीदवार? देखिए बड़ी प्रक्रिया है, जनता से विचार करके टिकटों का वितरण नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रदेश में 403 विधायक होते हैं और 403 विधायकों को पार्टी को चुनना एक बड़ा काम होता है। लेकिन कम से कम एक सर्वे कराकर जनता की भावनाएं देख लेनी चाहिए कि जो जनप्रतिनिधि पार्टियां लड़ा रही हैं उनका जनता के प्रति क्या माहौल है और जनता के लिए उन्होंने क्या किया है। हमारा पांचवा पॉइंट ये है कि जो उम्मीदवार खड़े होते हैं चुनावों में उन्हें वहाँ के स्थानीय पर्यावरण, स्थानीय संस्कृति, इसके अलावा शिक्षा, मौद्रिक नीति, आर्थिक नीति, इसके अलावा उनकी अपनी विचारधारा है और जो पार्टी की विचारधारा है, ये सब जनता की समझ कर उठवानी चाहिए। बिल्कुल करानी चाहिए। लेकिन चुनाव जीतने के बाद बड़े जनप्रतिनिधि जो बड़ी बड़ी महापंचायतों के हैं, प्रदेश की जो सबसे बड़ी पंचायत है वहाँ के जनप्रतिनिधियों को, जो देश की महापंचायत है उसके जनप्रतिनिधियों को इन मुद्दों को उठाना चाहिए। लेकिन सत्यता ये है कि विधानसभा और लोकसभा के सदस्य चुनाव जीतने के बाद केवल अपनी व्यवस्थाओं को सुधारने में लग जाते हैं और इस तरह के मुद्दों को सदन में उठाने का काम नहीं करते। सर ये पूरे जनमेला के कॉन्सेप्ट में आप मतदाताओं की मतदाताओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है इस पूरी व्यवस्था में, लोकतंत्र की व्यवस्था को चलाना बनाना इस सारी व्यवस्था जनता के हाथ में होती है। और ये जो आयोजन लोक मेला हो रहा है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा आयोजन है और इससे जनता को भी अपने विचार रखने का मौका मिलेगा क्योंकि जनता के लोगों को कहीं कोई उनसे विचार लेने के लिए तैयार नहीं। सर हमारा लास्ट पॉइंट ये है कि जो चुनावी फंडिंग होती है उसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, तो चुनावी चंदा किसी राजनीतिक पार्टी के खाते की एक जमेला फंड बनाया जाए और जो भी उम्मीदवार खड़ा हो रहा है मतलब वो वहाँ के जो आम स्वयं सेवक है और जो वहाँ के निर्वाचन आयोग है वही उस चंदे का उपयोग। हाँ ये सही व्यवस्था है, ऐसा हो जाएगा तो राजनीति में भ्रष्टाचार काफी हद तक समाप्त हो जाएगा। लोग फंड के नाम पर पैसा लेकर गलत तरीके से जनता के बीच में बांटने का काम करते हैं, अगर ये फंडिंग समाप्त हो जाए तो भ्रष्टाचार में काफी गिरावट आएगी और अच्छे लोगों का चयन जनता करने में आसानी से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।